कभी तो इस बेकार सी चीज को अपने हाथ से छोड़ दिया करो, जब देखो फोन पे लगी रहती हो। आप भी फोन को हाथ से तब अलग करती है जब आपको कोई बात करनी होती है। कहिए। अफान कहाँ है? वो बाहर लॉन में है शायद, कह रहा था कि कोई इम्पोर्टेंट कॉल है। जस्ट लुक एट यू, तुम कितने इत्मीनान से यहाँ खड़ी हुई हो। तो मैं क्या करूं मम्मी? अफान से कहो कि अपने घर वापस जाए। आप ऑलरेडी हमसे तंग आ गई हैं। मैं तुम दोनों से तंग नहीं आई हूं, मैं अगर परेशान हूं तो अफान के गलत फैसले पर परेशान हूं, और अगर तुम लोग यही बैठे रहे ना तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। कुछ भी हाथ से नहीं निकलेगा, मेरे और अरफान के पास सेविंग्स हैं, और फिर आप और डैड भी तो है ना, आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। इतनी बेवकूफ लड़की मेरी बेटी हो सकती है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम चंद रुपयों की सेविंग्स पर खुश हो रही हो जबकि अरबों और खरबों की दौलत तुम्हारे अफान के नसीब में है, और अगर अफान यहाँ रूठा बैठा रहा ना तो चालाक लड़का ये सारी दौलत अपने नसीब में ले जाएगा। तो मैं अब अफान से कहूं कि मुझे सिर्फ तुम नहीं चाहिए थे, ये सारी दौलत भी चाहिए थी। घर चलो, चाहे जैसे भी हालात हो। मैं अफान को इतनी लालची और मटेरियलिस्टिक लगूंगी ना, तो बुरा लगेगा। बात करने का ढंग भी तो होता है, तुम उनको आराम से अपनी मुट्ठी में लो, समझाओ प्यार से, उनको शक नहीं होने दो कि सब कुछ तुमने किया हुआ है। और अगर अफान फिर भी नहीं माना को तो तुम मिनाल से कह देना, वो समझा दी, काफी समझदार है।